नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन्स हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर आरआरबी पीयू प्री के एग्जाम्स में आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी सेशंस को पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो तुरंत टाइप कीजिएगा। ओके, 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अर्थमेटिक में। मैथ्स का क्वेश्चंस टोटल्स पेपर्स 40 नंबर्स का होता है मैथ्स का, राइट? 40 नंबर्स 40 क्वेश्चंस में, इनमें से 10 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट? मैं आपको बता दूं, पहली क्लास में मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ 5 क्वेश्चंस, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम थंबनेल है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको लिंक दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। किसी भी एग्जाम्स हो, आरआरबी 2020 क्या प्रिपरेशन कर रहे हों, तो 100% यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, राइट? तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस फॉरम को इंग्लिश और लैंग्वेज बेस पर ही पढ़ते हैं, राइट? तो हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल्स पर विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दें, देन वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, मेरे लिए, मेरे मोटिवेशंस के लिए लाइक कर दीजिए। ओके, ये फर्स्ट क्लास थी, उसको देखिएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर 5 क्वेश्चन डिस्कशंस किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, उसको आप जरूर जाके देखिए। ओके, एंड देन एक कल मैंने क्लास अपलोड की थी, लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम्स में मेमोरी बेस्ड मिसिंग नंबर्स रीज आई थी, उनका मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, राइट? उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी आपको नहीं मिलता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, और एक डीआई सेट्स भी मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, ये दूसरी क्लास थी कैसलेट डीआई की, राइट? उसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके लिए भी बेनिफिट्स हैं, राइट? तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तभी आप अच्छे से एग्जाम्स में क्लियर कर पाएंगे, राइट? पहली क्लास लाइन ग्राफ की थी, सेकेंड क्लास मैंने एक कैसलेट डीआई जो पूछा गया था वो मैं वहाँ पर डिस्कशंस कर चुका हूँ। ओके, तो उसको जाके देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है सारे के सारे। ओके, अब चलते हैं आज की एक जो क्वेश्चन है, राइट, उस पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको एक बार फिर बता दूं, 1 to 5 क्वेश्चन मेरी पहली क्लास में हो चुके हैं, उसको जाके देख सकते हैं। आज अपन 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। पी इन्वेस्टेड 60%, हिंदी में भी है, आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, बाकी मैं बोलूँगा आपके हिंदी में ही, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, 100% आपको समझ में आएगा। पी इन्वेस्ट 60% मोर देन क्यू एंड आर इन्वेस्ट 20% मोर देन क्यू, राइट? पी है जो क्यू से 60% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बट जो एंड आर भी है जो 20% मोर इन्वेस्ट करता है क्यू से। ओके, क्वेश्चंस को समझिए। इफ रेशियो, अगर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो एक तरह से निवेश करते हैं उनका टाइम पीरियड पी क्यू आर का देर का है 2, 4, 3, राइट? ये रेशियो है द सम ऑफ द प्रॉफिट, राइट? सम ऑफ द प्रॉफिट है माय डियर स्टूडेंट्स क्यू और आर का, अपने को केवल क्यू और आर का प्रॉफिट दे रखा है 8,550, राइट? अब पूछा क्या है, क्वेश्चंस पूछ रहा है अपने पास, फाइंड द शेयर प्रॉफिट ऑफ ए, यानी कि पी का कितना भाग है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में, यह क्वेश्चंस पूछा गया है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है, क्वेश्चंस ये लैंग्वेज कभी समझ में आएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस कीजिए अर्थमेटिक में, यही आपके नंबर्स, यही आपको सिलेक्शंस दिलवाएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज़्यादातर स्किप कर देते हैं या सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, देखिए क्वेश्चंस कहता है पी क्यू आर 3 इन्वेस्टमेंट हैं, 3 पर्सन यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, राइट? यहाँ पर मैंने लिखा पी,
राइट, यहाँ पर क्यू एंड देन यहाँ पर आर, ये तीन पार्टनर्स हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, 60% मोर देन क्यू, पी हैज यू 60% मोर देन क्यू, राइट, इट मीन्स, एंड यहाँ पर दोनों में कॉमन क्यू ही है। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पी ने क्यू ने इन्वेस्ट किया 100x, 10x भी मान सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वह आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स इसमें पर्टिकुलर में नहीं है। सपोज कीजिए 10x मान लेता हूँ, राइट, 10x मान लेता हूँ, देखिए डिलीट करता हूँ इसको, 10x कर देते हैं, राइट, इसको 10x कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन, सो आप 100 भी मान सकते हैं, आप 10x भी मान सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू और आर, दोनों में कॉमन कह रहा है कि पी ने 60% क्यू से ज़्यादा और 20% आर ने ज़्यादा क्यू से किया। सपोज कीजिए यहाँ पर 10 में मान लेता हूँ क्यू ने इन्वेस्ट किया 10x, इससे 60% ज़्यादा पी इन्वेस्ट करता है, इसका 60% होता है 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ इसमें ऐड करके पी का हो गया 16, राइट, 16x, एंड 20% मोन, इसका 10% होता है 1, 20% होता है 2, तो 2 इसका ज़्यादा हो गया 12x, राइट, ओके, एंड टाइम पीरियड अपने पास गिवन है, कितना कितना है, 2 पी का, 4 क्यू का, 3 आपके आर का, क्लियर, ओके। अब देखिए समझिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को, 16 × 2, राइट, ये आपका हुआ 32x, राइट, एंड 10 × 40, ये आपका 10 × 4 है आपका 40, एंड 12 × 3, ये आपका हुआ 36x, राइट। इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, एंड देखिए ये इनका रेशियो आप निकाल लीजिए, बिल्कुल इनका और छोटा कर लीजिए, ये 4 × 4 = 32, 4 × 10 = 4 आपके क्यू का हो गया, एंड 4 × 9 =, राइट, 4 × 9 =, राइट, पी क्यू आर 2, 4, 3, राइट, एंड देन 8 और 9, 19 या 8 और 10, 18 + 9, 27 टोटल्स आपका रेशियो हो गया, ओके 27, ओके। क्वेश्चंस क्या पूछा है, क्यू और आर के लाभों का शेयर 8550 है, क्यू प्लस आर के लाभों का शेयर कितना है, 8550 है, क्यू और आर, क्यू क्यू एरा आर एरा, तो क्यू और आर 10 + 9 का योग अपने पास गिवन है, यानी कि 19x हो गए, 19x = 8550, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 19 से ये 4 times किया, राइट, 4 times किया, 19 × 4 = 76, 4 और 9, 19 × 5 = 95, ओके, तो 450, x की वैल्यू अपने पास आई 450, पूछा किसकी है, p की, x की वैल्यू अपने पास जो है, तो p अपने पास 8x है, x मान लीजिए, p के पास अपने पास 8x है, p = 8x, तो x की वैल्यू अपने पास गिवन है 8 × 450, राइट, 450, तो 458 से मल्टीप्लिकेशंस करना है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल शॉर्ट्स में बताता हूँ, 450 का डबल कीजिए 900, इसका हाफ कीजिए 4, तो 900 × 4 हुआ 3600, क्लियर, 3600, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें कि हाँ सर समझ में आया है, लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो प्लीज़ अगर आपने एग्जाम्स दिया है, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको भी पता चल सके, ओके। तो 3600 इज द करेक्ट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को। नेक्स्ट देखिए ये है मेंचुरेशंस बेस पर क्वेश्चंस है, मैंने कहा था ऑल ओवर टॉपिक बेस पर हैं सारे क्वेश्चंस। द टोटल्स एरिया ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर 5450 सेंटीमीटर, राइट, टोटल्स एरिया ऑफ सर्कल्स यानी कि सर्कल जिसको आप वृत्त कहते हैं, स्क्वायर जिसको आप वर्ग कहते हैं, द डायमीटर ऑफ सर्कल 70 सेंटीमीटर
यानी कि व्यास दे रखा है सर्कल का 70, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, राइट, तो 35 सेंटीमीटर। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, राइट, परिधि ज्ञात करनी है स्क्वायर की और सर्कमफ्रेंस ज्ञात करना है सर्कल का, दोनों की परिधि में डिफरेंस अपने को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखते ही स्किप कर देते हैं क्योंकि मेंसुरेशंस का क्वेश्चंस है, ओके, तो इसको स्किप नहीं करना। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछता है प्री के लेवल में, राइट, बिल्कुल हलवा टाइप, ओनली फॉर फॉर्मूला पुट अप करना है और आंसर्स आपका विद इन 10 to 20 seconds में आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से रिमेम्बर है। तो देखिए क्या कहता है, सर्कल और स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल, माय डियर स्प्रिंच, सर्कल्स का एरिया कितना होता है 100%, माय डियर स्प्रिंच, पाई आर स्क्वायर, राइट, सर्कल्स का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2πr, राइट, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, 2πr परिधि और आपकी सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एंड स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर आप कह सकते हैं भुजा स्क्वायर कहते हैं, राइट, दोनों का योग अपने पास है 5450, ओके, तो यहाँ पर सूत्र आप लगा सकते हैं, दैट इज द 20 पाई का मान 22 × 7 आर स्क्वायर, आर मैंने आपको बताया था डायमीटर का हाफ होती है, राइट, डायमीटर अपने पास है 70, तो आर कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 70 upon 2 35, राइट, 35 × 35 प्लस ए का स्क्वायर इजिकल टू 5450, ओके, तो यहाँ से ये निकाल लीजिए, दैट इज द 5 times, राइट, 5 times ये, एंड 5 times एंड 22 × 5 करेंगे बिल्कुल इजी में, 110 and 35, राइट, 110 and 35, इससे आपको मल्टीप्लिकेशंस करनी है, 3500 प्लस 10 से मल्टीप्लिकेशंस हुआ नेक्स्ट में 350 प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 5450, तो यहाँ से इसको लेस करके अपन ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, 350 है, 350 में से इसको लेस किया, 5100 बचा एंड 3500 है, तो इसमें से 1500 5000 इसको अपन देखिए, इस ये बचा आपके 5100, ये बचा आपके 3500, तो कितना डिफरेंस है 1600 का, यहाँ पर 1600, ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, इजिकल टू 40, 1600 का स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी है मेंचुरेशंस का, नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ओके, समझ में आता है तो लाइक करें। अपने पास ए की वैल्यू है, राइट, ए की वैल्यू अपने पास 40 है, अपने पास पूछा क्या है परिधि में, राइट, अपने पास परिधि में दोनों की परिधि, तो इसका देखिए स्क्वायर की परिधि माइडी रेस्परेंस होती है, स्क्वायर का पैरामीटर जिसको आप कह सकते हैं स्क्वायर का पैरामीटर, उसका फॉर्मूला था 4 × भुजा, राइट, 4 × भुजा, ओके, 4 × a या 4 × भुजा आप लिख सकते हैं, ओके, या 4a आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो a की वैल्यू अपने पास है, दैट इज द 4 × 40, राइट, तो 160 आपकी इस पैरामीटर हो गया वर्ग का, स्क्वायर का, ओके, एंड अब अपने को चाहिए वर्ग की परिधि का सूत्र है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 35 का आपको मालूम ही होना चाहिए 220 होता है, कैसे होता है, देखिए 22 upon 7 एंड 35r की वैल्यू, 75 जा 35 एंड 5 × 2 करेंगे 10 एंड 22 × 10 करेंगे तो 220, राइट, अब इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, 40 + 20 यानी कि दोनों का डिफरेंस हुआ 60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगेन इसका भी सी आंसर आपका सही होगा, अच्छा क्वेश्चन था, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे गए, राइट, ऐसे ही पूछे जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी लगा अच्छा
समझ में आया है, मेरी मेहनत लग रही है आपको, तो बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दें। आपकी लाइक से देखिए कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर आप बार बार मत किया करिए, कहा करिए, राइट। तो देखिए मेरा मोटिवेशंस के लिए लाइक तो बनता ही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अच्छे क्वेश्चंस अच्छे वीडियोज आपको और दे सकूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी है जिसको आप प्रायिकता कहते हैं, राइट, उसका क्वेश्चन है। देयर आर 5 रेड 6 ब्लैक एंड 5 ब्लू बॉल्स है इन अ बिग, एक बैग है उसमें 5 लाल बॉल है, 6 काली है और 5 ब्लू है। आउट ऑफ दीज बॉल्स 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, राइट, 4 बॉल्स उसमें से उठाई जाती है रैंडम तरीके से। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है, दैट इज 1 रेड 2 ब्लैक एंड 1 ब्लू बॉल, राइट, अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है 1 रेड इसकी, 1 रेड बॉल की, 2 ब्लैक की और 1 ब्लू की, ये इनकी अपने को प्रायिकता ज्ञात, कितनी पिक हुई, 4 बॉल। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 5 है जो रेड बॉल है, 6 है जो आपकी ब्लैक बॉल है एंड 5 है जो आपकी ब्लू है। ओके, याद रखिएगा 6 से आपकी जो ब्लैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल बॉल्स कितनी होगी, 16, राइट, 5 और 5 10 प्लस 16 यानी कि 16। इसमें से अपने को पिकअप करनी है 4 बॉल्स, 4 बॉल्स पिकअप करनी है, कैसे कैसे, तो इसकी हुई अपने पास, अपने को रेड पिक करनी है 1 बॉल, यानी कि 5C में से टोटल 1 बॉल्स अपने को पिक करनी है, इंटू 6 में यानी कि ब्लैक में से 2 बॉल यानी कि 6C × 2, राइट, एंड 5 ब्लू में से अपने को 1 बॉल पिकअप करनी है, राइट, तो 5C/1, राइट, एंड कितने में से पिकअप हुई, 16, 4 में से, राइट। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशंस पढ़नी चाहिए, यहाँ बचा 5, यहाँ कितना बचा 6 × 5, तो 5 × 3 = 15 एंड यहाँ पर अगेन 5 बचा, एंड देन यहाँ पर देखिए 16, 15, 14 एंड नेक्स्ट है आपका 13 एंड अपन 4 से 4 है तो 4, 3 और 2, राइट, 1 भी आप कर सकते हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 4, 3 जा यहाँ पर आपका 12 हुआ, 4, 3 जा 16, 15, 14 एंड 4 से ये 5 टाइम्स, राइट, एंड 2 से इसको भी आप लेस कर दीजिए 7 टाइम्स, राइट, एंड देन इसकी आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ 5 × 15 × 2 एकदम अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ बचा आपका 4, यहाँ बचा आपका 5, यहाँ बचा आपका 7, राइट, यहाँ बचा आपका 13, राइट, इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए 5 से तो 5 टाइम्स ऐसे ही निकल गया, 15 × 5 = 75 बचा अपने पास, 15 × 5 = 75 और नीचे आपको कैलकुलेशंस करनी है, राइट, 20 91, देखिए 13 7 = 91 × अपने को 4 करना है, तो आप निकाल सकते हैं 4 1 = 4 एंड 3 6, राइट, 3 6 9 × 4 अपने पास 36, राइट, 36, तो 75/364, 364 इज द करेक्ट, ये होती है अच्छी से, ये मैंने बताने पर कैलकुलेशंस इतनी बड़ी हुई है, अन्यथा मैं तो डायरेक्ट यहाँ से ही कैलकुलेशंस कर देता 16 की, राइट, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का, 8 नंबर क्वेश्चंस का बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन है, ए कार हैज टू कवर अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 30 आवर्स, एक कार है जो एक डिस्टेंस कवर करती है 180 किलोमीटर, राइट, उसको 30 घंटे लगते हैं, राइट, तो 30 घंटे 180 किलोमीटर स्पीड कितनी हुई, राइट, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी 2/5 ऑफ द टाइम, यानी कि आधी जर्नी है वो 2/5 में कवर कर लेती है, राइट, एंड शेष जो बची है आधी, राइट, उसको कवर करने में उसकी स्पीड क्या रहेगी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट,
तो कमेंट बॉक्स में हमारी रेस्पॉन्स, इतने क्वेश्चंस में डिस्कशंस कर चुका हूँ, आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। सब कुछ मैंने पढ़ के आपको समझा दिया है, ओके। तो एंड अप करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, मैं कुछ भी आपकी हेल्प कर पाया हूँ। लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। आपको हेल्प में जितने ज़्यादा अच्छे से शेयर करेंगे, उतने ही अच्छे से मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई सजेशंस हो, कोई आपका डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।